Okay, so we are live. Let's wait for people to join in. Hello, everybody. So finally, my first live after my Big Boss journey. It's been so long that I haven't connected with you all. Almost 1.5 months. So how are you all? By the way, I'm good, and but yeah, still disappointed and a bit shocked because I never expected though that main itni jaldi bahar aa jaungi. My game was going good also. I hope you all will also agree. मुझे बहुत सारे messages आए, बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी कहा कि मुझे वापस जाना चाहिए. Let's see वो हो पाता है या नहीं. लेकिन थैंक यू सो मच फॉर शावरिंग सो मच लव. गुरी धीमान, आपने बहुत अच्छा किया बिग बॉस में. थैंक यू खन्ना अभी, थैंक्स. गौरव इंदौरिया, यस आई डिड कॉल हिम ऑन हिज लाइव यस्टरडे. या भक्ति, नेवर माइंड. Yes, true that. So guys, what's happening? आप लोगों का क्या रिएक्शन है मुझे बताओ. And yeah, also let me know that what do you all think? Who will win this show? आपका क्या opinion है किसके बारे में? आपको मेरी क्या चीज पसंद आई show में? And oh my god, thank you so much. Sayoni Mati. Come back. Yaar, ye to mere haath mein nahi hai. But I would love to come back. How was my Big Boss journey? It was very good. Mujhe abhi bhi Big Boss ki awaaz aati hai mere dimaag mein. Subah uthti hu to mujhe, main dhoond rahi hu ki mera mic kidhar hai. और बहुत सारी मेमोरीज रही हैं शो के अंदर. सुबह उठना, बिग बॉस मुझे बुलाते थे, फिर मैं चिट्ठी पढ़ती थी टास्क की. टास्क को हम बहुत अच्छे से करते थे, कभी एंजॉय करते थे, कभी गंदगी मच जाती थी. एंड मेरा इंटरव्यू वाला टास्क भी बहुत लोगों ने पसंद किया. थैंक यू सो मच. एंड या गाइज, लेट्स सी, लेट्स कनेक्ट विद समवन ऑन दिस लाइव. See who all are sitting there. चलो ये अभी हो नहीं पा रहा है, टू मेनी रिक्वेस्ट. सो अभी करेंगे थोड़ी देर में. रश्मि सीक्रेट रूम में है या नहीं? नो, आई डोंट नो, आई कांट कमेंट ऑन इट. उसके लिए आपको शो देखना होगा. ओह थैंक यू सो मच. हाँ, मैंने जितनी जितना हो सके अपना स्टैंड लिया एंड कोशिश की इंडिविजुअली खेलने की. मैं किसी ग्रुप में नहीं थी क्योंकि मैं किसी के ग्रुप का पार्ट बनना नहीं चाहती थी. भेड़ चाल में मुझे घुसना पसंद नहीं है. जहां जहां ग्रुप में मेरी जरूरत रही मैंने वहां खेला. और ग्रुप में भी सी बिग बॉस ग्रुप बनाकर भेजते हैं और वहां पर आप अपने लिए खेलते हो. तो कुछ ऐसे टास्क थे, फॉर एग्जांपल अगर आपको याद होगा वो मनी वाला टास्क था जिसमें हमें बैंक में मनी जमा लेना था और तिजोरी में जमा करना था. वहां पर आई प्लेड फॉर द ग्रुप. और आपको याद होगा सिद्धार्थ शुक्ला, मैं, सना, आरती, हम लोग सारे, आसिम, हम लोग सारे एक ग्रुप में थे. तो दैट वॉज टोटली डिफरेंट. अब वो ग्रुप का पार्ट नहीं था जिस ग्रुप में आप लोग कहते हो कि मैं थी या रश्मि वाले ग्रुप में थी. बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, इंडिविजुअली मैंने खेला. इनफैक्ट इन लास्ट टास्क इंडिविजुअली मैं खेल रही थी एंड आई ट्राई टू प्रूव माई सेल्फ एज एन इंडिविजुअल इन द शो. मैंने जहां हो सके अपना स्टैंड लिया, गलत को गलत बोला और कोई अगर गलत कर रहा है तो उसको जाकर समझाया भी, पॉइंट किया, चाहे वो मेरा खुद का कोई फ्रेंड क्यों ना हो. और ऐसी बहुत सारी जगह थी जहां पर ये कौन है, युजवेंद्र कह रहा है बिग बॉस ग्रुप बना के भेजते हैं, मीन्स स्क्रिप्टेड. नो, बिग बॉस इन द सेंस टास्क में ग्रुप बनाकर भेजते हैं. दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है घर को एंड देन उसमें आपको खेलना होता है. उस सेंस में मैं बोल रही हूं.
युजवेंद्र यहाँ पे जर्नलिस्ट बन गया है. आई मीन कम ऑन यूजी. ओके एंड या और बाकी और जितने भी टास्क थे खूब मजा आया. बहुत सारी अच्छी मेमोरीज थी. हम बहुत मस्ती करते थे घर में. थोड़ी बहुत गंदगी मच जाती थी क्योंकि साफ सफाई की बहुत टेंशन होती थी. एंड वॉशरूम में जब गंदगी फैल जाती थी तो लड़ाई होती थी कि कौन उसे साफ करेगा. टास्क में आपने देखा भी होगा कि कभी कीचड़ मिट्टी सब कुछ एंड कॉमन वॉशरूम्स होते थे तो यहाँ पर ये था. लेकिन ओवरऑल बिग बॉस का घर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था एंड बड़ा था एंड बहुत मजा आया. और मैं मिस भी बहुत ज्यादा कर रही हूँ. हाँ मुझे लगता है कि कुछ कुछ मुझे चेंजेस करने चाहिए थे. खैर अगर मैं वापस जाऊंगी तो वो मेरी नई स्ट्रैटेजी होगी. लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि जो मैं हूं वो मैं रहूं. जैसी मैं हूं रियल लाइफ में वैसी रहूं. हाँ कुछ टास्क हुए थे ऐसे. आरती वाला राइट आई रिमेम्बर जिसमें फर्स्ट टास्क था वो उसमें मैंने क्लियर भी किया था कि जो भी मैंने बोला वॉज अ स्टोरी जो मैंने कुक की थी. मैंने कुछ भी पर्सनल नहीं मीन किया था. वो टास्क था उठाने का. उसमें मैं किसी को गाना गा के नहीं उठा सकती थी. मुझे कुछ ना कुछ बोलना था प्रोवोकिंग के इंसान शॉक में उठ जाए. इसलिए मैंने झूठी स्टोरी कुक की थी जो मेरा टास्क का पार्ट था. आई थॉट कि हम उसको ऐसे खेल लेते हैं एंड आई थिंक आई प्लेड अ गुड रोल. उसके इमीडिएटली बाद मैंने अपोलोजाइज भी किया. जब मुझे लगा कि आरती रो रही है एंड शी इज हर्ट देन मैंने उसको अपोलोजाइज किया. लेकिन ऐसी कोई भी मेरा मतलब नहीं था बॉडी शेमिंग या फिर आप कुछ भी उसको लोगे कि मैंने पर्सनल अटैक किया. नहीं मेरा मतलब नहीं था. मैंने स्टोरी को कब की थी एंड मैंने वहीं पर ही क्लियर कर दिया था टास्क के अंदर ही अगर दिखाया गया है तो. ओके एंड फिर लास्ट टास्क में पूरी कोशिश मैंने की कि न्यूट्रल कर दें हम टास्क एंड माहिरा जहां पर पतली गली से बच गई उसे ना होने दें. लेकिन वो भी नहीं हो पाया क्योंकि एट दी एंड आपको पता है संचालक का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है. रश्मि संचालक थी. उसने देबुलीना को चुना और देबुलीना ने बेवकूफी करी बहुत बड़ी. राइट तो मे बी दैट वॉज द रीजन के उसकी बेवकूफी की वजह से माहिरा सेफ हो गई एंड देन वो एक स्पॉट था जो प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती थी वो यू नो कैन बी अ रीजन वन ऑफ द रीजन. बाकी मैं ये नहीं कहती हूँ. ऑडियंस के वोट्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं. आप सबका प्यार भी इम्पोर्टेंट होता है. देन और भी बड़े सारे डिसीजन होते हैं. आप शो के अंदर क्या हो कैसे कर रहे हो लोग आपको कैसे ले रहे हैं आपकी पर्सनैलिटी कैसी है. सो तभी आई एम रियली हैप्पी दैट जितने भी यहाँ पर मेरे इंस्टाग्राम पर फैंस हैं और बाकी जो मुझे लोग मैसेज कर रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एवरीबडी इज लाइक माई गेम वॉज स्ट्रांग एंड आई शुड स्टे आगे भी. लेट्स सी के क्या होता है. कोई सरप्राइज आता है ट्विस्ट आता है या फिर कोई बात नहीं जैसा भी है. एंड कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं एंड देखो रश्मि का क्या हुआ उसके लिए आपको तो शो देखना पड़ेगा. क्या हुआ मैं बता देती हूँ. रश्मि जहां पर बहुत ज्यादा दोगली गेम खेल रही थी उसे खेलने की कोशिश कर रही थी और हमें तो मेरे को तो स्पेशली बहुत बोर कर रही थी घर के अंदर. लेट्स सी अब उसकी फैन फॉलोइंग है क्या होता है. और देबोलीना जहां मुझे लग रहा था कि थोड़ी समझदार है उसने एंड में बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी जो कि आई एम श्योर बहुत लोगों को समझ में भी आई होगी कि कितना इंपॉर्टेंट था टिकट टू फर्स्ट फिनाले और उसने ऐसे ही पता नहीं क्या सोचकर कौन से थॉट्स में कौन से वहम में उसने जाकर पारस को डिलीवरी दे दी और पारस और माहिरा को वो टास्क जिता दिया जबकि उसको स्मार्टली खेलना चाहिए था. सी टास्क आर अबाउट नॉट कि वो रद्द हो जाए या कुछ हो जाए. वो होते हैं स्मार्ट खेलने के लिए कि आप कितने स्मार्ट हो आपके पास कितने आइडियाज हैं आप अपने लिए कितना खेलते हो क्योंकि ट्रॉफी एट द एंड किसी एक ने ही जीतनी है. एंड अगर आप अपने लिए नहीं खेलोगे इंडिविजुअली नहीं खेलोगे दूसरों पर डिपेंडेंट रहोगे तो आप कैसे जीतोगे. एट द एंड आगे भी जाकर आपका ग्रुप जैसे टास्क शुरू होता है बिग बॉस ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो उसमें किसी और ग्रुप पे दे देते हैं तो आप वहां जाकर कैसे खेलोगे. तो ग्रुप होना इम्पोर्टेंट है लेकिन इंडिविजुअली खेलना उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. जहां आपको मौका मिलता है इंडिविजुअली खेलने का वहां खेलना चाहिए. सो या बाकी बहुत मजा आया बिग बॉस के घर में. हमने
खूब इंजॉय किया वीकेंड के बाहर को, हमने बहुत अच्छे से लिया जब सलमान आते थे और आई ओपनर डे होता था वो हमारे लिए। हम सब उस दिन का इंतजार करते थे कि पता चले कि बाहर क्या कुछ चल रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिलता था। लेकिन कभी कभी हम बहुत शॉक हो जाते थे कि ऐसा कुछ भी हमने मीन नहीं किया था। फॉर एग्जाम्पल वो शहनाज वाला एपिसोड आपको याद होगा, क्योंकि शहनाज वाले एपिसोड में कितना दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इतना श्योर हूँ कि बिग बॉस दोनों पहलुओं को दिखाते जरूर हैं कहीं ना कहीं। तो शहनाज ने मेरे कैरेक्टर पर बहुत सारी बातें कही थी और उस टाइम पर उसे नहीं बोला गया था, लेकिन ये मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप तक पहुंचाऊं कि क्या बात एक्चुअली में हुई थी। शहनाज ने मेरे कैरेक्टर पर बहुत गंदी गंदी गालियां दी और मैं कहीं भी ये नहीं कहती कि गाली देना तो बहुत नॉर्मल बात है, देते हैं अगर लोग गाली तो मैं उसको प्रमोट कभी नहीं करूंगी। एंड शहनाज ने जितनी बदतमीजी से मुझसे बात की एंड देन फिर वो मेरे पे आई एंड उसने मेरा हाथ वाथ ऐसे पकड़ा, अग्रेसिव हुई जिसकी कोई भी नीड नहीं थी। अगर हम मुंह से वर्बली बात कर रहे हैं, अगर मैं उसको बुला रही हूँ कि मेरे मुंह पर आके बात कर, तो बात करनी चाहिए थी, आपको अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। एंड या सो ये सारी बातें थी जो कहीं ना कहीं मुझे खटकी। लेकिन मैं अगेन ये नहीं बोलती कि शहनाज ने जो कुछ कहा उससे मैंने जो कुछ कहा सही हो जाता है, हालांकि मैंने मीन नहीं किया था छूना या जो भी मैंने बोला उसमें, उस टास्क में घर के अंदर हमें दिखाई दे रहा था कि वो कैसे प्रवोक करने की कोशिश कर रही है सिद्धार्थ डे को। हमने उनको सपोर्ट किया घर के अंदर एंड और उसी में ही जो जो सामने आया वो काफी ज्यादा शॉकिंग हो गया था, क्योंकि सी जो मैंने बोला लाइक छूना, मैंने उसका गलत मतलब कभी मीन नहीं किया था। मैं ये नहीं कह रही थी कि शहनाज का कैरेक्टर ऐसा है, नेवर पॉइंटेड एनी फिंगर ऑन हर कैरेक्टर, जो मुझे लगता है कि किसी भी एक लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, किसी लड़के की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम इस हद तक ना जाए। जो मैंने बोला बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में बोला था और कुछ लोगों को, जिन लोगों को वो गलत लगा, क्योंकि मुझे पता है कि छूने का मतलब दो तरीके का निकल सकता है, लोग गलत ले सकते हैं, तो मैंने इमिडिएटली वो बात को समझा और रिस्पॉन्सिबली एक्ट करके अपोलोजाइज भी किया, बिकॉज आई सम रिग्रेटेड कि जो भी मैंने यूज किए इतने रिस्पॉन्सिबल होने के बावजूद। तो ये सारी चीजें थी, लेकिन शहनाज ने जैसे बोला उसको भी सुनाना चाहिए था और मैंने अपना पॉइंट सामने रखा एंड आई एम सेटिस्फाइड विद इट। मैं ये नहीं बोलती कि अगर वो गलत है तो मैं सही हो जाती हूँ, अगर हम दोनों ने गलत बोला, अपोलोजाइज किया और बात खत्म की, लेकिन बहुत फेक वो एक्ट करती है, ये सबको दिखाई दे रहा था। ओके मनु पंजाबी लाइव है, सो लेट्स ट्राई एंड कनेक्ट विद हिम, अगर हो पाता है तो लेट्स सी। हाय मनु, हाउ आर यू? ये हाउ आर यू आई मैसेज यू 100 टाइम्स। अब तो लोग मुझे बोलने लग गए थे कि क्या हो रहा है। हाय हाउ आर यू। आई एम गुड, व्हाट्स हैपनिंग? यू आर ट्रैवलिंग अब समवेयर? मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि गुड टू सी यू, बट यू प्लेड वेरी वेल, रियली शेफाली, यू प्लेड वेरी वेल। थैंक यू सो मच यार, पसंद किया ना लोगों ने मुझे। डेफिनेटली किया, और लोगों को मतलब अब बिग बॉस के अंदर दिमाग नहीं है, क्या बोलते हो नीचे लोगों, अब बिग बॉस का दिमाग चला गया, दिमाग चला गया, बिग बॉस ब्रेनलेस हो गया है। अभी ब्रेनलेस है बिग बॉस, ब्रेनलेस है। ओह मुझे यार, व्हाट्स आई माय गॉड, मिसिंग दिस शो सो मच। तुम वापस जाने वाली हो उसके अंदर, सो अपने बैग्स को अनपैक्स मत करना, तुम्हें वापस जाना है। वापस जाना है मुझे। डेफिनेटली दे विल टेक यू मैन। आई विश ऐसा हो, आई विश होगा होगा होगा, डेफिनेटली होगा। हाँ, बिकॉज मुझे व्हाट डू यू थिंक, मतलब कुछ लोग वहां पे बिल्कुल अनडिजर्विंग लग रहे हैं मुझे, माहिरा एंड आरती, आई डोंट नो व्हाई आर दे इनसाइड द शो एंड मैं इतनी जल्दी बाहर आ गई। आई एम स्टिल शॉक्ड, मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा हुआ क्यों। सी एक्चुअली क्या होता है ना, कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं, कभी कभी क्रिएटिव फॉल्ट भी होता है, कभी कभी मतलब आप कभी कभी बिग बॉस में किसी चीज के शिकार हो जाते हो। सो दैट वाज अ वेरी वेरी लाइक बैड मूव बाय पारस, कि उसने उसको मायरा को सपोर्ट किया और वो लोग आगे चले गए एंड दे स्पेशली दे बहू, आई मस्ट से बहू को पता नहीं क्या किया, वो लोग क्या सोच रही है, और फ्लोर पे आके भी उनको सुनने को यही मिला कि क्यों आप लोगों ने ऐसा किया, आप लोगों ने क्यों सपोर्ट किया। बोला गौहर ने भी बोला कि जहां पर मौका था कि आप टास्क को इक्वेट कर सकते हो, न्यूट्रल कर सकते हो, वहां पर उन्होंने इतनी बड़ी बेवकूफी करी। सी वो धर्मात्मा बनने की कोशिश कर रही थी ना, वो लोग धर्मात्मा बनने की कोशिश कर रही। राइट 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 राइट। तो महान बनने के चक्कर में कई बार गलत लोग सही लोग पिस जाते हैं, तो उनको तुमको इस वजह से सफर करना पड़ा।
बट अब एक एक्चुअली हम लोग जब बिग बॉस की के ऑडिशंस के लिए जाते हैं किसी भी रियलिटी शो के, तो हमको पास जाता है अपने स्टैंड लेना, अपने लिए गेम खेलना. एंड वाज द ओनली गर्ल ओवर देयर जो लोगों से पंगा लेने को तैयार थी और अकेले में खड़ी होने को तैयार थी. ऑन लॉजिकल टॉपिक्स ओनली, लाइक तुम किचन बेंच में फालतू नहीं दिखी कि तुम कह रही हो खाने के लिए मुझे डरना है या रोटी क्यों मांग रहे हो या रोटी नहीं मांग रहे. यू वॉज ऑन योर पॉइंट ऑलवेज, टास्क हो रहा है तो लड़ रही हो, अदरवाइज फालतू नहीं लड़ रही हो. सो अब क्या यार, देखो बिग बॉस ने अपने पास से सिर्फ ब्रेन ही नहीं ब्यूटी भी भेजी है. हम लोग सुबह तुम्हारे को सॉन्ग में देखा करते थे, एक गाना आता था उसमें हम लोग कैमरा तुम्हारी तरफ किए जाते थे, सना की तरफ किया जाता था कैमरा, थोड़ा बहुत तुमको लोग देख रहे थे. अब ठीक है, बिग बॉस ने अभी कोई है नहीं तुम जैसा फॉर श्योर. मुझे ऐसा लगता है शायद बुलाना चाहिए बिग बॉस को, 6th, 7th, 8th आपको बुलाना चाहिए एटलीस्ट एक बार. Oh, I hope so. मैं तो फुल एक्साइटेड हूँ क्योंकि क्या हुआ ना मनु, जब सेकेंड हाफ में लोग आए हैं, फर्स्ट फिनाले में जो 6 new entries हुई हैं, उनको तो मैं मिली ही नहीं. एंड मैं चाहती थी कि उनकी क्या सच्चाई निकल कर आती है, मैं दर्शकों तक पहुंचाऊं, बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है और कैसे मैं उनके साथ गेम खेलती हूँ, क्या इक्वेशन बनती है, मैं सब चाहती थी कि हो. लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली आ गई बाहर. होपफुली कि अगर मैं जाती हूँ तो बहुत मजा आने वाला है. वैसे आई होप जितने भी लोग देख रहे होंगे वो भी पूरी कोशिश करेंगे ये बात को पहुंचाने में कि मुझे भेजें. बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मुझे घर के अंदर वापस जाना चाहिए या मेरी वाइल्ड कार्ड एंट्री होनी चाहिए. मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, आई कैन सी द ट्रैफिक. मैं एक और बात बोलता हूँ आपको कि एक होता है हम बात करते हैं सिर्फ बोलने के लिए, हम लोग जवाब देने के लिए बोलते हैं, एक होता है हम सेंसिबल बोलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बोलते हैं, दैट यू प्रूव इट एंड द द द तुम्हारे को टास्क मिला था लाइक तुमको पोल खोलने की लोगों की, दैट एपिसोड वाज फैबुलस, फैबुलस, यू नेल्ड इट मैन, राइट. हां, दैट वाज फैबुलस एपिसोड. अच्छा, एक सच्ची सच्ची बात बताओ, सना जैसा दिखा रही है वैसी है नहीं ना एक्चुअली? नहीं, वो वैसी जैसा वो दिखा रही है ना, वो मेरे को नहीं लगता कि वो वैसी है, क्योंकि 24/7 जब हम घर के अंदर रहते हैं ना, वो समझ में आने लगती हैं चीजें. क्योंकि जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि टास्क होता है या कोई ऐसी चीज होती है, तो वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होती है, गाली देती है, गंदा अब्यूजेस देती है, और फिर उसके बाद जब उसको लगता है कि उसकी गलती है, तो वो फिर फेक बन के, बच्चा बन के उसको कवर अप करने की कोशिश करती है. तो ये कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा फेक लगता है. एंटरटेनिंग अगर आप फेक नहीं भी कहोगे तो एंटरटेनिंग बिल्कुल नहीं लगता है. आप क्यूट बन के अपना जो दूसरा चेहरा है उसे छुपा नहीं सकते हो. तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि वो बहुत ज्यादा फेक करने की कोशिश करती, क्योंकि उसको पहले हफ्ते में समझ में आ गया था कि उसकी ये सारी चीजें बाहर लोग पसंद कर रहे हैं, तो उसने फिर आगे भी वैसे बनाकर रखा. लेकिन कहीं क्लास में वो मजबूर हो जाती है जहां पर उसकी सच्चाई सामने आ ही जाती है. राइट. एंड शेफाली, इसके बावजूद भी आपको कभी ऐसा पर्टिकुलरली नहीं देखा गया कि तुमको शहनाज से प्रॉब्लम हो रही है या तुमको किसी से भी प्रॉब्लम हो रही है? ऑन द पॉइंट व्हेनेवर द टास्क वाज जस्टिफाइड फाइट्स थी तुम्हारी, और हमें आसिम का भी कुछ गलत बार नहीं दिखाया फ्रेंकली से नहीं, आप दोनों लोगों का कभी ऐसा नहीं देखा, सिद्धार्थ का भी, कि आप इंटेंशनली किसी के पीछे पड़ रहे हो या फिर चाह रहे हो कॉन्टेंट मिले. यू गाइस वाज नॉट लाइक दैट. आई प्रे फॉर दैट. मेरे से अगर क्रिएटिव की बात होती है तो मैं बोलूंगा शेफाली को अंदर लेके जाओ, साला दिमाग रखो शो के अंदर, इसकी जरूरत है. एंड डेफिनेटली तुमको जब भी टाइम हो, दिन में 3 दिन में जब भी टाइम हो, लेट्स मीट माई ऑडियंस. आप करो लोगों से, तुमसे बहुत लोग बात करना चाहते हैं, मतलब मेरे पास शायद कुछ हजारों कॉमेंट्स होंगे तुम्हारे लिए, जो लोग लाखों कॉमेंट्स होंगे जो लोग कह रहे हैं कि यार शेफाली वॉज डिजर्विंग, वो एटलीस्ट टॉप 6 में रहनी चाहिए. मैं नीचे भी पढ़ रहा हूँ, लोग लिख रहे हैं. राइट, होपफुली चलो करते हैं ऑन योर यूट्यूब चैनल. राइट, तो लेट्स प्लान, नाउ यू इंटरेक्ट विद योर ऑडियंस. और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू, बाय डार्लिंग, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय. तो थैंक यू सो मच मनु फॉर ज्वाइनिंग इन एंड यू नो अप्रिशिएटिंग एंड इतने अच्छे अच्छे बातें आपने कही मेरे बारे में. आई होप
एक्चुअली मैं शो के अंदर जाऊं विद अ बैंग एंड बाकी सबकी क्लास लगाऊं जितने भी वहां पर फेक और दोगले लोग हैं. एपिसोड्स मैं देख रही हूं तो मुझे बहुत सारी चीजें पता चल रही हैं कि किसने क्या कहा था, क्योंकि घर के अंदर क्या होता है ना, हम हर जगह मौजूद नहीं रह सकते हैं, तो हमें कुछ बातें पता नहीं चलती जो हमारे पीठ पीछे होती हैं. लेकिन अब मुझे बहुत सारी चीजें पता चली हैं तो आई एम प्रिपेयर्ड एंड लेट्स सी के क्या होता है. अच्छा, कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं यू वांट टू डू टीवी सीरियल्स. Yes, yeah, I'm open to many opportunities, acting, TV serial, hosting, or maybe any other reality. But abhi filhal, I'm focusing on Big Boss only. Let's see ki aage kya hota hai. Thank you so much, Ayush and everyone. Shefali Bagga Fan World. And yeah, thank you so much all my fan pages. Aap logo ne bahut bahut support kiya, pyar diya. I'm so happy and blessed to have you all. And जितनी भी audience अभी मुझे देख रही है, सुन रही है और इतने अच्छे अच्छे comments लिख रही है, thank you so much. And yeah, I guess अभी के लिए फिलहाल इतना ही. I'm rushing, मुझे थोड़ा तैयार होना है, घूमने जाना है. बड़ा टाइम हो गया है घूमने गए हुए. थोड़ी बहुत आज मंडे है, वैसे इतनी पार्टी तो नहीं हो सकती है, बट मेरे कजिन्स हैं तो या बाकी थैंक यू. एंड होपफुली जल्द मिलेंगे. मैं कोशिश करूंगी कि दोबारा लाइव करें एंड आप सबसे मैं कनेक्ट करूं. तो सी यू सून गाइज एंड मिलते हैं फिर जल्द. बाय.